शादी का गम तो एक बहाना है, किस्मत में लिखा है तो दिलों को टूट जाना है। जी हाँ गाइज, दिलों का टूटना या जुड़ना किस्मत पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या हम किस्मत को बदल सकते हैं या क्या अपना खोया हुआ प्यार पा सकते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब देंगे आवर वेल रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट आचार्य सतीश जी। सो लेट्स वेलकम हिम ऑन आवर शो लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। दोस्तों, आज एक बार फिर से केयर वर्ल्ड के स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य सतीश जी। तो आप भी फटाफट फोन उठाइए और इस नंबर पर कॉल करिए जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे शो पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आचार्य जी, एक बात बताइए जी, हम लोग करियर और रिलेशनशिप्स दोनों को साथ में बैलेंस करके ही, हर कोई यही चाहता है कि दोनों सक्सेसफुल रहे हम लाइफ में। तो जैसे हमने अभी तक देखा कि ग्रह नक्षत्रों का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके रिलेशनशिप्स पे, आपकी लव लाइफ पे, तो क्या उसी तरीके से करियर को भी ये अफेक्ट करते हैं? और क्या हम एस्ट्रोलॉजी की मदद से दोनों का बैलेंस बना सकते हैं या दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट चीज़? बढ़िया बढ़िया बात पूछिए अनुजा। दरअसल क्या है कि हम जब बात करते हैं करियर की, ये एक ऐसा संबंध है जो आपकी उसी पड़ाव पे मिलता है, उसी आयु पर मिलता है जिस आयु में आपको प्रेम मिलता है। आपका करियर, आपकी अपनी जो एम्बिशंस है, जो आप पूरा करना चाह रहे होते हैं, उसी टाइम पर प्रायः आपको प्रेम भी मिलता है। अच्छा। एक टाइम पर दो चीजों को प्रॉपरली मैनेज कर पाना सामान्य इंसान की थोड़ी लिए मुश्किल काम है ना। करियर, आप करियर पे प्रॉपर ध्यान देंगे तो लव छूटता है, लव पर ध्यान देते हैं तो करियर छूटता है, और करियर और लव साथ नहीं होगा तो विवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई वर अच्छा चाहिए होता है ना, कन्या ठीक चाहिए होती है ना, तो ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक हैं और इस पे एस्ट्रोलॉजी ही मदद कर सकती है। बिल्कुल आचार्य जी, इसी डिस्कशन को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पहले एक कॉलर लें अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल, स्वागत है, आपसे बात करने के चाह रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। कौन बोल रहे हैं? मैम, मैं विभा त्यागी हिसार से बोल रही थी। विभा त्यागी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं, बात करिए प्लीज। हेलो, नमस्ते आचार्य जी। जी जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? जी, बहुत 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 ज्यादा अच्छा, और अभी आपसे बात हो गई तो थोड़ा और ज्यादा अच्छा हो गया मैं। जी। सर, मेरी सिस्टर ने बहुत ही ज्यादा उम्मीदों से आपको कॉल करने के लिए बोला, पिछले 1 मंथ से आपसे बोले कि आप उसको आचार्य जी से बात करो, आपकी प्रॉब्लम हर 100% श्योर ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए विश्वास पर विश्वास करना और भी अच्छी बात है, उनको कुछ तो विश्वास है, कुछ तो उन्होंने देखा होगा, कुछ महसूस किया होगा शायद, इसीलिए आपको उन्होंने विश्वास दिलाया। बताइए सर, मेरी मैरिज को 10 इयर्स हो गए हैं, लेकिन हस्बैंड की तरफ से बहुत टेंशन है, मतलब बिल्कुल भी उनको अटैचमेंट नहीं है। एक बेटा भी है, अभी मेरे को सेकंड डिलीवरी भी होने वाली है, और उनको बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है सर। अपनी मम्मी की और अपनी सिस्टर की बातें मानते हैं मेरी, बिल्कुल। एक सेकंड, एक सेकंड, विभा 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 बेटा, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बोलिए। सर, 24 जनवरी 1976। 24 जनवरी 1976, टाइम बता दीजिए। शाम का 8:05। 8:05 शाम का। कहाँ जन्म हुआ है? जी, मेरठ में हुआ है सर। मेरठ में जन्म हुआ है? हाँ हाँ जी, ठीक है। विभा जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको जी। आपका जीवन सच में थोड़ा सा संघर्षशील तो लगता है, आपके जीवन में समस्याएं थोड़ा डिफरेंट और अलग हैं और बड़ी समस्याएं हैं। आपकी अपनी कुंडली में षष्ठे छठे भाव का स्वामी अगर खराब हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है, और किसके थ्रू? आपके जो, मतलब आपकी जो हस्बैंड हैं, उनकी जो बहन है, उनके हस्बैंड आपको प्रताड़ित करते होंगे, क्या सच है? जी जी, बिल्कुल सच है जी। यानी आपके अपने हस्बैंड के जो जीजा है, जो आपके नंदोई है, क्या वो भी आपको प्रताड़ित करते हैं या वो मारपीट करते हैं आपके साथ? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा।
बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम यहाँ नहीं, आप समझे कि मैं ये भी कहना नहीं चाह रहा था कि आपको आपके जो ऐसे रिश्ते वाले हैं जो प्रताड़ित कर रहे हैं, जिनसे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है इस तरह का, लोग तो ऐसे संबंधों को और बड़े अच्छे से रखते हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा केस है। मैं ये भी कहना नहीं चाह रहा था, और भी बहुत सारी बातें हैं आपकी लाइफ की जो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। सिंपली एक बात समझें कि आपका जीवन थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन इसका समाधान हमारे पास है, इसका रास्ता है हमारे पास, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो आप सबसे पहले तो प्रसन्नता लेके आए, थोड़ा खुश होके बोलें कि भाई आपका काम होने वाला है, आपको मार्गदर्शन कम से कम मिल गया, आपको एक होप मिला आज कि आपका काम हो सकता है और आपका जीवन सुखी भी हो सकता है। आप समझी क्या? एक काम करें, मैया पार्वती को श्रृंगार की सामग्री चढ़ावें और भगवान शंकर की कोई ऐसी मूर्ति जिसमें उनका पूरा का पूरा परिवार एक साथ हो वो अपने घर में रखें, उसका पूजा करें, आपका ठीक रहेगा सब कुछ। और हाँ, थोड़ा अपने श्रृंगार का, अपने वस्त्राभूषण का विशेष ध्यान रखें, अंदर से बाहर तक के सारे प्रकार के कपड़ों का, और जो आपकी पिलो है वो रेड कलर की होनी चाहिए, और यदि सॉफ्ट हो, बढ़िया हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ये उपाय करें। और आप पर्सनली हमसे जरूर बात कीजिएगा यदि आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ पूरी तरह से ठीक करनी है ना। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो पर कॉल करने के लिए। आप आराम से सारी चीज़ों को फॉलो करिए, टेंशन मत लीजिए। आचार्य जी बहुत मतलब परेशान होके, एज यूजुअल हम देख रहे हैं कि शादी के बाद इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और यहाँ पे तो जो चीज़ आपने बताई, आई एम श्योर आप भी जानते हैं कि टेलीविजन फोरम पे आप उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, मगर ये शायद एक बहुत शॉकिंग बात, है। हम हर व्यक्ति की समस्या को पूरी तरह से ओपन ही नहीं करना चाहते। हम एक और बात बताना चाहेंगे आप लोगों को कि हम, यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम हम यहाँ नहीं लें, तो आप इंडिविजुअल भी हमसे बातचीत कर सकते हैं, और हम पूरी तरह से उसे गुप्त रखते हैं, और हमारे अलावा और आपके अलावा तीसरा उस बात को ना कभी जानेगा ना समझेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी आगे से। तो ये एक और बढ़िया ऑप्शन है आचार्य जी, आपकी आज्ञा हो तो हम एक वॉइस मैसेज लें, क्योंकि बहुत कॉलर्स जो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते। वॉइस मैसेज प्लीज। नाम मौसमी है, मेरे हस्बैंड का नाम शिवम कमाजी है, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 1982, और मेरा डेट है 23 दिसंबर, और मेरे डेट ऑफ टाइम है, डेट ऑफ बर्थ का टाइम है आपकी 7:30 इन वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर। सर मैं एक चीज, ऐसे मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ, मैं कठिन परिश्रम कर रही हूँ, मेरे दो बच्चे भी हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं भी खुद अपने लाइफ में सेटल हो जाऊँ। मेरे ऐसे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, हस्बैंड भी आर्मी में है, लेकिन उतनी उनको भी प्रमोशन वगैरह जल्दी जल्दी नहीं मिलती है, बहुत कम ही मिली है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने लाइफ में सेटल हो जाऊँ। तो मैंने मास्टर डिग्री कंप्लीट की है, अभी बीएड की पढ़ाई भी कर रही हूँ, तो मैं कुछ अपने लिए भी कुछ चाहती हूँ, मैं इसके लिए हर संभव कोशिश कर रही हूँ। तो फिर अगर आप मुझे थोड़ी बता दें कि अगर आप मुझे इसके बारे में कुछ सलूशन दे दें तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी। धन्यवाद जी। मैं भी चाहता हूँ कि आप बहुत खुश हो जाएं, क्योंकि थोड़ी बहुत खुशी और थोड़ी बहुत प्रसन्नता आनंद नहीं देती। देखिए, आपकी कुंडली के आधार पर, आपके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हम बात करें तो अभी भाई 14 महीने का वेट है, 14 महीने का समय लगेगा आपको, लेकिन आप निश्चिंत हो जाएं, आप जॉब कर सकती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, आपका स्वाभिमान आपके साथ रहेगा, आप स्वाभिमानी हैं, आप थोड़ी सी अपने पर सेल्फ निर्भर रहना चाहती हैं, ये बहुत अच्छी आदत और बहुत अच्छी सोच है, अच्छा चिंतन है। लेकिन इस बीच में आपके जीवन से वैवाहिक प्रेम जो है वो कहीं 19-20 नहीं हो, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भाई आप अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं, प्लान करके आगे बढ़िए, काम करना बुराई नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन बातों में अपने पति को अवॉइड कर रही हैं या पति से कुछ लेना नहीं चाहती। आपको पता है जब आप कुछ लेते हैं तो आदान प्रदान की भावना डेवलप होती है और प्रेम बढ़ता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, भगवान शिव की आराधना करें, अगर आप व्रत कर सकती हैं, उपवास कर सकती हैं, शिव की आराधना कर सकती हैं किसी रूप में, क्योंकि ये एक ऐसे परमात्मा हैं, ऐसे देवता हैं जो सब कुछ देते हैं। और हाँ, अपने घर में पारे का शिवलिंग जरूर रखिएगा, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी।
व्यूअर्स, आपको आपके लिए भी मैं बता दूं कि अगर इनके साथ आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप अपने वॉइस मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं, और जैसा कि आपने देखा इन्होंने बखूबी अपनी सारी डिटेल्स बताई, विच वॉज अ वेरी गुड साइन, सो दैट उनकी हेल्प होगी उनकी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व होने के लिए. तो आप भी अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ ज़रूर बताएँ, और अपने ही नंबर से मैसेज करें ताकि आचार्य जी, उनकी टीम आपको वापस उसी नंबर पर ईजिली रिवर्ट बैक कर सके और आपसे कॉन्टैक्ट बनाए रखें. आचार्य जी, इनफैक्ट आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था कि करियर और रिलेशनशिप, और ये वॉइस मैसेज कहीं ना कहीं उसी से मिलता जुलता है. बिल्कुल, बिल्कुल. कि आज ये अपना करियर बनाने के लिए इनको सोचना पड़ रहा है, ये अपना, क्योंकि अपनी फैमिली लाइफ से शी इज़ हैप्पी, बट देन उनको लग रहा है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ, अपना करियर बनाऊँ, ये सारी चीज़ें. तो नॉर्मली हमने देखा है क्यों एक मतलब एक फीमेल को ही ऐसी सारी चीज़ों को करना पड़ता है कि कहीं मेरे करियर में लव लाइफ ना चली जाए. इंटरप्टिंग है, थोड़ा इंटरप्ट करूंगा. इसमें क्या है, इनकी आवाज़ के पीछे एक और दर्द है जो एक एस्ट्रोलॉजर देख सकता है. अच्छा. सी इज नॉट हैप्पी इन लव लाइफ, जो उनकी वास्तविक लाइफ है उससे हैप्पी नहीं है. अच्छा. वास्तविकता वो है, क्योंकि हमारे हमें जो इनकी वॉइस मिल रही है. हाँ. उससे साफ पता चलता है. मैंने इसीलिए तो उनको बोला बेटा देखना वो कहीं वो प्रॉब्लम ना आ जाए. हाँ. वो धीरे धीरे अभी जन्म ले रही है. अच्छा. वो प्रॉब्लम अभी तो जन्म ले रही है, लेकिन बड़े अभी आगे चल करके वो वृक्ष बनेगी, फिर बड़ा कष्ट होगा. जब अभी करियर भी किया साथ जा सकता है. तो इनके लिए मैसेज है कि भाई प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे, और ये हो सके तो पर्सनली कनेक्ट भी हो. बिल्कुल. ताकि इनकी जो प्रॉब्लम आने वाली है उनसे और अच्छी तरीके से डिस्कशन कर सके. एब्सोल्युटली. आचार्य जी, कॉलर्स लगातार आपसे बात करना चाह रहे हैं. एक कॉल ले अगर आपकी इजाजत हो तो. स्वागत है. हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी. कौन बोल रहे हैं? मैं सुनीता बोल रही हूँ. सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आचार्य जी से बात करिए. कोटि कोटि प्रणाम. जी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका. मैं सुनीता बोल रही हूँ पटियाला से. हाँ. मैं बंटी से बहुत प्यार करती हूँ. हाँ. हमारे रिलेशन को 9 साल हो गए जी. लेकिन आचार्य जी, कुछ महीनों से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी. हाँ. लेकिन हमने आपसे उपाय करवाए. जी जी. तो आचार्य जी, हमें बहुत फायदा हुआ. जी 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 जी. तो अब हमारे बीच में सब ठीक है. आचार्य जी, मैं अब हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ. मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ. जी 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 जी. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद. परमात्मा करे आपके जीवन में ये प्रसन्नता, ये सुख निरंतर बना रहे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. जी जी, धन्यवाद, शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. आचार्य जी, ज्यादा तो मुझे आइडिया नहीं पड़ पाया, पर उनकी आवाज से मालूम हो रहा था काफी एजेड हैं वो. जी, और जी. फिर भी वो किसी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही थी जो 9 साल से चल रहा है. थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. अनुजा, हम एक बात बोलते ना हमेशा की प्यार की और प्रेम की कोई आयु नहीं होती. जी, जी, ये कहीं ना कहीं आपको संरक्षण चाहता है. हाँ जी. इनकी आयु में इस पड़ाव पर आकर के संरक्षण की जरूरत थी. अच्छा, इनके हाँ, हाँ. ये अच्छा है या बुरा है पता नहीं. एक हेल्दी रिलेशन के रूप में अच्छाइयां बुराइयां हम नहीं देख सकते. हम तो ये देख रहे हैं कि भाई प्रसन्नता किसी के जीवन में अगर आ गई है, हमारे लिए बहुत अच्छा. आप समझिए कि वो एकाकी जीवन व्यतीत करती और उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, क्योंकि समाज एक अकेली महिला को किस रूप से देखता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. तो आज इस आयु में, आज 50 के आसपास रहेंगी. अच्छा. लेकिन आज हैप्पी हैं, प्रसन्न हैं. इस आयु में आकर के प्रसन्नता मिले, ये परमात्मा की प्राप्ति से कम थोड़ी है. क्या बात है, बिल्कुल सही बात है. एंड आई एम श्योर आचार्य जी, लोग आपकी ऐसी बातें को सुन रहे होंगे और आपकी दी हुई सारी गाइडेंस को बखूबी फॉलो कर रहे होंगे, ताकि वो उस चीज को फॉलो करने का त्वरित लाभ है, त्वरित बेनिफिट है. ये हम पहले दिन से बोल रहे हैं इस बात को. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. व्यूअर्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आचार्य जी की इम्पॉर्टेंट बात मिस कर दी है, कोई उनका इम्पॉर्टेंट ऐसा सजेशन मिस कर दिया है, या कोई एपिसोड नहीं देख पाए हैं, सो जस्ट डोंट वरी, हम इस एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट ज़रूर करेंगे. आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज फिर से अपना कीमती टाइम देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आके हम सबको एक अलग अलग एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए और नई चीज़ों से परिचित कराने के लिए. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. दोस्तों, अगर आप लव या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से लेके डिप्रेस हो रहे हैं और आप इन सारी चीज़ों को आचार्य जी से पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं, तो इस एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करें. 8x220 आनंद केशव अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 204, आर्य नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश. कॉल, वॉइस मैसेज या फैक्स करने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 08081426940. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं
castroindia2010@gmail.com और हमारी वेबसाइट है www.lovewithastrology.com। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, प्यार इम्तिहान लेता है और सबसे बड़ा इम्तिहान होता है पेशेंस यानी सब्र। तो आपके लव लाइफ की प्रॉब्लम्स को आचार्य जी सुलझाएंगे, लेकिन प्यार से और पेशेंस से और सितारों की मदद से। सो कीप वॉचिंग लव विद एस्ट्रोलॉजी। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।